हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ नादान इस फिल्म की हीरोइन से। हेलो, मैं प्रीति। अच्छा प्रीति, जानना चाहेंगे दर्शक दर्शक जानना चाहेंगे कि आप सेट पर कितना मस्ती की है, कितना मौज मस्ती की आप पूरा टीम के साथ। थोड़ा दर्शकों को बताइए आप अपने बारे में और कैसे शूट हुई फिल्म। पहले पहले आप फिल्म में लॉन्च हो रहे हो, दोनों नादान ही हो, और क्या कितने इंजॉय किए सेट पर, थोड़ा बताइए आप लोग। सेट पे तो हम लोग बहुत इंजॉय किए, और जो भी मतलब नोक झोंक मेरा इनके साथ बहुत होता था। खास करके ये ऐसे मतलब ऊट पटांग हरकतें करते थे जिनसे मतलब सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। शायद थोड़ी बहुत आप भी करते थे। नहीं नहीं, इनकी कुछ ज़्यादा ही होती थी, और इनको तो खास करके भोजपुरी नहीं बोलने आती थी जो मैं सिखाती थी इनको। बट आप सिखाते थे तो मैं बोलता भी था। और जो आपने डायलॉग भी चार बार दोहराते थे। लेकिन जब मैंने अपना डायलॉग ओके किया था तो आपने उसके लिए मुझे चॉकलेट भी दिया था, गिफ्ट भी दिया था, तो उसके बारे में फिर आप बताओ गिफ्ट में क्या था, दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, गिफ्ट में जैसे कि मुंबई की बहुत फेमस चीज़, जैसे कि मुंबई के वासी लोग जानते हैं गणेश जी, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, और हमारी फिल्म की मतलब फिल्म की शुरुआत के लिए भी मेरे लिए बहुत प्यारी चीज़ थी, तो अभी भी मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है। तो आप बोलो, आप प्रीति को क्या दिए? ये क्या देंगे? जो हीरो है कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, मैंने कोशिश की थी कि मैं इसे रिंग दूं, लेकिन इसने लिया ही नहीं। आप दर्शक ये चाहेंगे कि आप शूटिंग के दौरान नहीं दे पाए, बट पिक्चर रिलीज है, रिलीज के दौरान तो रिंग दे ही सकते हैं आप। बिल्कुल, क्यों नहीं, रिंग तो मैं दूंगा भी, और शायद मैं सोच रहा हूँ पब्लिक के सामने पहनाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका क्या विचार है इसको? ये तो अगर दोस्ती के नाते दे तो ठीक है, वरना मुझे मैं रिंग पहनती भी नहीं हूँ ज्यादा। आपको रिंग दिया जा रहा है, दोस्ती और फ्रेंडशिप का अलग मैटर है, फिल्म के लिए दिया जा रहा है। इस फिल्म का अभिनेत्री है, फिल्म में आपका अपीयर भी है, उसके लिए दिया जा रहा है। उसके लिए तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अगर ये मुझे दे तो, वरना जैसे में डाउट है। मैं लेके भी आया था, मैंने आपको दिखाया भी था, बट आपने कहा अभी नहीं, तो इसके लिए सॉरी, मैंने देखा नहीं था। मैंने आपको पहनाया भी था, आपने निकाल के दे दिया, कह रहे कि अभी नहीं, मतलब प्रमोशन में ऐसा कुछ आपने बोला था, याद है आपको? नहीं नहीं, क्या है ना, मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ ना, इसीलिए मुझे याद नहीं। वो मुझे पता है, जब आप सेट पे डायलॉग भी भूल जाते थे तो मुझे मालूम है आप भुलक्कड़ हो। मुझे सारे डायलॉग याद रहते थे, ये भूलते थे। लेकिन रात भर आप याद करते थे, पढ़ाई करते थे। जब मैं पूछता था कि यार जब तुम डायलॉग की बात कर रहे हो, कह रहे रोमांटिक सीन है, कैसे होगा ये वो, तो फिर आप डरते नहीं थे? मैं सारे डायलॉग यहाँ यहीं से याद कर गई थी, और मुझे सारे डायलॉग याद थे, इन्हें नहीं आता था। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि दोनों जब लड़ाई करते थे, डायरेक्टर साहब कहाँ रहते थे उस वक्त? डायरेक्टर साहब चिल्लाते रहे थे, गुस्साते नहीं थे, वही तो खासियत थी उनकी। नहीं, डायरेक्टर साहब कहते थे चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, अपना खेल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ काम में कॉम्प्रोमाइज उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। और लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उन लड़ाई में भी उन्होंने हमारा प्यार देखा, सबसे अच्छा चीज़ ये था। और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे आपके साथ, कितना कोऑपरेट किए आप, दूसरे को कितना समझाए, कितना हमारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनके साथ, तो भाई मतलब जो भी था बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था हम दोनों, हम सबका। और बात रही इनकी, तो इन्हें मैं क्या कहूँ, ये तो डायरेक्टर सर भी मतलब बोलते थे, समझाते थे, फिर भी ये अपनी ही करते थे, अभी भी शायद करते हैं। लेकिन आप भी तो करते थे। जब मैंने एक हमारा सीन था, जैसे कि मूवी का एक सीन था, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, जैसे गाड़ी वाला सीन था आपका, तो सर ने आपको बोला कि नहीं आपको पीछे आगे बैठना है। नहीं, मैं पीछे बैठूंगी, मैं ज़्यादा पोस्ट दिखूंगी, तो ये मतलब ये नहीं है। ये सारे सीन आपने ऐसे किए जैसे कि आपको आगे, लेकिन आपका अच्छा था, ओके, बहुत मुझे बहुत मज़ा आया आपको देख के कि आपने सीन ऐसे किए और सब कुछ, बहुत मज़ा आया। आपका आगे क्यों नहीं, पीछे क्यों? मुझे
वही तो बात है, मुझे जहाँ बोलते थे डायरेक्टर सर मैं वही करती थी, जो भी बोलते थे मैं वही करती थी, जहाँ बैठाते थे मैं वही। लेकिन डायरेक्टर सर, लेकिन डायरेक्टर सर आपको उन्होंने आगे बैठने के लिए बोला था, आपने तो जब नहीं किया उनकी बात, ओके किया कहीं नहीं, मैं आगे ही बैठी, बाद में मैं आगे ही बैठी थी, ऐसी बात नहीं। वो तो बाद में, लेकिन बाद में, लेकिन बाद में मेरे कहने, मैंने जब कहा और हमारे डायरेक्टर सर ने, उन्होंने कहा तो आप बैठे ना, मतलब कुल मिला के मेरे कहने पे बैठे ना। कहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, क्योंकि एक तो हम दोनों की रोमांटिक मूवी थी और हम दोनों कपल भी हैं, और जब ताजमहल के पास पहुँचे तो एक अलग सी फीलिंग थी, एक अच्छा सा था। और जब मैंने इसके फेस पे स्माइल देखा, मैंने कहा क्या बात है यार, मतलब ताजमहल के सामने और इसकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी सच में, ताजमहल से भी अच्छी। अब ताजमहल पे भी गए, मतलब जो भी कहते हैं कि मतलब रोमांटिक जगह है, ऊपर से नेचुरल बारिश होगी तो क्या मजा नहीं आएगा। हमारी मूवी जैसे कि रिलीज़ होने वाली है 30 तारीख को, तो मैं तो अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी मूवी देखें, रोमांटिक मूवी है और मज़ा भी बहुत आएगा आप लोग देखने में, क्योंकि टेनिस लव स्टोरी है और इसमें थोड़े बहुत मैसेज भी है, जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने आपको दिखाने की कोशिश की है और हम लोगों ने भी कोशिश की है, तो आप लोग देखें और इसका रिव्यू ज़रूर दें कि हम लोगों ने कैसा काम किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट काम है। कैमरे के सामने जो मतलब पहला दिन जो था मेरा, बहुत ही मतलब इतनी मुश्किल हो रही थी मुझे। चलो मेरा तो कुछ नहीं था, मेरा सिर्फ आना जाना था पहले दिन, जो भी था इनका था। हम इसमें पूछिए पहले दिन का एक्सपीरियंस। फर्स्ट दिन का, फर्स्ट डे का मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा आप लोगों को। जैसे कि हमारा फर्स्ट, जब मैंने मीडिया को सामने से देखा था तो हमारा मुहूर्त था मूवी का, तो जब हम लोग मीडिया के सामने गए तो मेरा क्वेश्चन ओके हुआ, जब प्रीति की बारी आती है बंदे हिल लिए, पैर उसके पूरे कांप रहे, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, ओके कोई नहीं होगा। जब वो बोलती है तो हाँ, ये था कि हाँ मैं इसके साथ था, इसने कोशिश की और अच्छा बोला, लेकिन हाँ डिफिकल्ट है। लेकिन प्रीति इंटरव्यू तरह से लगे रहेगी, आठ-दस फिल्म कर चुकी है, वो चीज़ तो ठीक है, आठ-दस फिल्म कर चुकी है, लेकिन लेकिन वो ऊपर से कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब अंदर से देखो ना तो फिर ऐसे 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 हिल रही थी वो। अच्छा फिर भी आप सब बताओ, ये नहीं हिल रहे थे, ये इनको तो खुद पता होगा ये हिल रहे थे कि हिला रहे थे। एक्चुअली क्या है कि मैं हिला रहा था, मैं मीडिया जो लोग थे ना, मैं उन लोगों से जब बात कर रहा था तो फिर वो लोग ऐसे हिल रहे थे कि अरे वाह भाई वाह, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बट अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने किया। बट हाँ गलतियाँ थी ये भी मानूंगा, लेकिन अच्छा मज़ा आया और फिर कोशिश भी हमने अच्छी की और मजा आया काम करने में। आप दोनों एक साथ दर्शक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उस फिल्म को लेकर के, आप दोनों रिक्वेस्ट कीजिए आपके दर्शक आकर देखें, प्रीति आप अपने फीमेल ऑडियंस को बुलाइए, आपका प्यार मोहब्बत जहाज को देखें और सराहें, और आप बोलिए। मैं अपने ऑडियंस को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी फिल्म जो बहुत अच्छी बनी है और नादान इश्क है, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, कोऑपरेट करिएगा, और आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कैसी मूवी है कैसी नहीं, तो हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। खासकर वो लोग देखें जो जात पात पर भेदभाव करते हैं, क्योंकि ये सब एक मतलब जो छोटे लोग होते हैं उनकी सोच होती है, बड़े लोग जो बड़ा सोचते हैं उनकी सोच नहीं है, क्योंकि इंसान एक समान होता है, उनका चरित्र देखना चाहिए, पैसे या कपड़े नहीं, ये मतलब हमारे लिए ये सोच है सबकी जो भी है, ये हमारे ऑडियंस के लिए है, जो कुछ लोग सोचते हैं कि ये उच्च जात का या नीचे जात का है, तो फिर उनके लिए खास करके है कि नहीं यार हम नीचे जात से प्यार नहीं कर सकते, फिर ऊँची जात से प्यार नहीं करते, हम बहुत छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, प्यार प्यार होता है, नादान इश्क है तो नादान इश्क है, तो आप लोग ऐसी बात नहीं, नादान इश्क बात ये है कि मतलब मूवी बहुत ही अच्छी है और भोजपुरी में ये सबसे अलग मूवी है, आप लोग को देखना चाहिए, और मतलब हमें यकीन है कि हमारी मूवी चलेगी और बहुत ही अच्छी मूवी है, प्लीज़ देखिएगा इसे ज़रूर। बस इतना ही, आप दोनों गाना गाएंगे क्या? अपना सॉफ्ट सॉन्ग में गाती हूँ। अरे वो वाला गाने जो बोलो।
हिरनी के जैसन भटकी कहाँ, तू ही दिखाला जाई जहाँ, पपिया के लेखा मर बोले जिया, पीहू कहाँ पीहू कहाँ पीहू। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया, बट मुझे ये वाला गाना याद नहीं है। मेरे काफ़ी सारे गाने हैं बट मुझे भोजपुरी कम आती है तो कुछ मैं लाइनें भूल चुका हूँ। जैसे कि हमारा गाना था हॉट सॉन्ग जो था, क्या था, बदन करवा में कस लाना बहकाता मन, रखे कबल दबा के सिरे हानी से, चला 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 भुता दी हाँ पानी से, चढ़ी उड़ा तलूती जवानी। सॉरी भोजपुरी नहीं आती तो होता है इतना। मैं अपने ऑडियंस से ओके थैंक यू बोलना चाहूँगा बहुत ज़्यादा, और प्लीज़ हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे शुरुआत हुआ ये अभिनय में पाई? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, मैं प्रीति कुमारी मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, और मैं यूपी गोरखपुर से रहने वाली हूँ। मतलब मेरी तो पढ़ाई हो रही थी बट जो मेरे डायरेक्टर सर हैं वो ऑडिशन ले रहे थे गोरखपुर में, तो मैं उन्होंने मतलब मैं ऑडिशन देने गई वहाँ पे और उन्होंने मुझे देखा, जो भी मतलब एक खामी होती रहती है वो मेरे अंदर थी, तो डायरेक्टर सर ने मतलब सेलेक्ट कर दिए मुझे, और मैं उनको थैंक यू भी कहना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा पहली मूवी है और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया है, शायद आगे भी वो मुझे मतलब मूवी में लेंगे और साथ हमारा हमेशा दें वो, उनको मैं हमेशा की। मैं BSc फाइनल चल रहा है, मेरा फाइनल ईयर है और एग्ज़ाम है मेरा मार्च में। और परिवार के रहने के लिए जब आपको मौका मिला इसमें काम करने के लिए, परिवार का कितना साथ है आपको प्रोडक्शन का? हाँ, ये मेरी फैमिली तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, अभी भी सपोर्ट कर रही है, और सबसे खासियत बात ये होती है गांव में कि लोग लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, और हमारी फैमिली ये है कि जो मेरी मतलब बच्ची चाहेगी, जो उसका मन होगा वो करेगी वो, और वही मैं अपनी फैमिली को भी थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा उन्होंने इतना साथ दिया, इतना सराहा, उसके लिए थैंक यू। तो कब से तैयारी करके आप अभिनेत्री बन गए, क्या-क्या स्किल से आपने डांसिंग सीखा? डांसिंग का तो मुझे बहुत शौक था और मैंने डांस भी सीखा और एक्टिंग थोड़ी बहुत सीखी, बाकी तो मेरे डायरेक्टर सर थे भाई बताया, जो भी था उन्होंने बहुत साथ दिया, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। अगर लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस रहे तो कोई भी मतलब कोई भी पड़ाव आए उसको पार कर देती है, और रही बात ये सब चीज़ों की तो वो फैमिली तो जानती है कि मतलब भोजपुरी में ये सब होता है, बट फिर भी अगर उस लड़की को करना है, लड़की को मेरी ये बनना है तो वो पूरा सपोर्ट करेगी। मेरी तो यही इच्छा है, मैं आगे चल के मैं बॉलीवुड में काम करूँ, बॉलीवुड मूवी सीरियल जो भी एंट्री होती है और उसमें मैं जाना चाहती हूँ, देखते हैं आगे। इस फिल्म के कितना बड़ा आपका सपना साकार हुआ है? ये फिल्म तो एक ड्रीम होती है जो मेरी पूरी हुई है, और इस फिल्म को मतलब नया फिल्म प्रोडक्शन हाउस को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्हें मुझे मतलब पहली ब्रेक दी इस मूवी में, थैंक यू सो मच। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं रायबरेली से रहने वाला हूँ, रायबरेली का छोटा सा गांव है गोपालीपुर नाम से, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा पूरा बचपन दिल्ली गाजीबाग बीता है। तो कैसे ये फिल्म में ब्रेक मिला आपको? मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ तो मेरा वहीं आना जाना होता था, तो लखनऊ में संतराम जी मिले, मैं डायरेक्टर जी, तो वहाँ पर हम लोगों ने अपना ऑडिशन दिया, मैंने तो 2-3 बार मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद सर ने सेलेक्ट किया, सब कुछ किया उसके बाद मूवी, और एक सर ने फिर हमारे सामने एक बोला कि आपको इसमें स्केटिंग करना है, ये मेरे लिए सर ने बोला कि भाई आपको करना है तो आप इस मूवी में हो, नहीं तो फिर दूसरा बंदा है जो कर सकता है, तो मैंने इसके लिए मेहनत की और फिर करके दिखाया। तो ये बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि फिल्म में काम करना इतना आसान नहीं होता, आपको इतनी आसानी से काम मिल गया तो कितना कुछ ना कुछ
मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा खुश नसीबी मानता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को काम नहीं मिलता और वो भी इस एज में। और अगर आप करना चाहोगे तो कहीं भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें संतराम जी ने या फिर हमारे प्रोड्यूसर सर ने हमारे को नज़र पड़ी और उन्होंने हमारा काम देखा, हमारा सब कुछ देखा, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है यार, आप अच्छा काम करते हो, आप आओ प्लीज़ करो। उन्होंने हमारे मतलब हमारा सपोर्ट दिया उन्होंने किया, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं कोई लोग आ कर नहीं पाते, मतलब एक्टिंग वगैरह कुछ भी, तो मुझे सपोर्ट मिला। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कितना बड़ा कैरियर के हिसाब से टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि आगे चलकर यही फिल्म आपका कैरियर है। बिल्कुल, तो ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एज में कोई सोच नहीं सकता कि यार मैं क्या काम करूं क्या ना करूं। तो लेकिन मैंने डिसीजन लिया और मैं मूवी कर रहा हूं। और फैमिली के सपोर्ट सबसे जो सबसे ज़्यादा बड़ा मायने रखता है वो मिला मुझे। इसमें स्किल्स में जैसे कि मुझे स्केटिंग बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने सबसे पहले वो सीखा। फिर उसके बाद डांसिंग एंड एक्टिंग सबसे मायने जो रखती है, जैसे कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सिखाया समझाया कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्टर सर ने बताया कि आप सीन को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, या फिर अवधेश जी, संजय पांडे जी, उन्होंने भी मुझे बताया समझाया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्किल्स में या फिर हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ। और अपनी हीरोइन के बारे में, प्रीति के बारे में वो कहते हैं? हाँ, हमारी जो हीरोइन है प्रीति बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है। तो कॉपरेशन बहुत अच्छा रहा है कॉपरेशन, हाँ, कि हम लोग करते थे और हम लोग जैसे करते थे, उन्होंने कभी वो मुझे कहती थी नहीं आप ये सही नहीं कर रहे हो, मैं उसे कहता था ये आप गलत कर रहे हो या फिर आप सही कर रहे हो। हम लोग एक दूसरे को कहते भी थे कि अच्छा है, पार्टी भी करते थे एक दूसरे के साथ, घूमने भी जाते थे। ऐसी ये तो हमारे ऑडियंस के ऊपर है कि हम लोग किस मुकाम पर पहुँचाना चाहते हैं वो। बाकी अगर मैं कहूँगा तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लेवल पर जाना है और अच्छा काम करना है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो ऑडियंस, मुझे पूरा विश्वास है कि ऑडियंस मुझे उस लेवल पर पहुँचाएगी। ये फिल्म की पृष्ठभूमि जो है वो मतलब एक टीनेजर लव स्टोरी है जो दो बच्चों के ऊपर बनाई गई है, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से फिल्मांकन में इसका किया गया है, और पूरी यूनिट ने एक साथ मिल के काम किया। और मैं मतलब दर्शकों से अपील करूँगा कि एक बार वो आएँ सिनेमा हॉल में और ज़रूर देखें इसे, और उनके पैसे पूरे वसूल हो जाएंगे। और इस फिल्म से जो भी शुभकामनाएँ हैं पूरी टीम की तरफ से दर्शकों को, मैं दीपावली की शुभकामनाएँ देता हूँ। हाँ, ये फिल्म जो है आई थिंक पहली बार भोजपुरी में टीनेजर लव स्टोरी आ रही है, और जैसे कि हमारे जो न्यू कमर हैं स्टार वर्स दोनों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से काम किया है। बाकी पूरी यूनिट को बहुत बहुत जो है धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, सबने मेहनत से काम किया। और सभी दर्शकों से गुजारिश है कि एक बार लव स्टोरी देखें, और आपको जो आपने जो हमारे यहाँ देसी जो एक लव होता है वो खुद को अपने से कनेक्ट कर पाएंगे इस फिल्म को देख के। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपने यार दोस्तों को लाएं और सिनेमा घरों तक लाके और फिल्म देखें, मज़ा आएगा उनको। तो नए कलाकार को फिल्म बना रहे हैं तो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नामी जानी कह रहे हैं उनको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये स्टोरी इतनी अच्छी है और ये एक पारिवारिक फिल्म है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि मतलब दर्शक इसको काफ़ी पसंद करेंगे। और इसके गाने, खासकर गाने ऐसे हैं कि शायद एक बार पब्लिक के कानों तक पहुंच गई तो फिर उन्हें थिएटर में आने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि फिल्म में अवधेश मिश्रा जी और संजय पांडे जी तो वो बड़ा अच्छा एक्टर हैं, कहेंगे लोग। उन्होंने तो मतलब वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो 8-10 नमूने हैं, नगीने हैं, वो नगीनों में से अवधेश जी और संजय जी हैं, और दोनों ने बहुत अच्छा कमाल का परफॉर्मेंस किया है, और उनका पूरा यूनिट के साथ बहुत अच्छा बिहेव था और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और बोले, वो बोल के भी गए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मैनेजमेंट हुआ है, जिस तरह से आपने सारी चीज़ें मैनेज किया है, आप लोगों ने काफ़ी बेटर है, और उनकी भी काफ़ी बोल रहे थे, उनकी भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से। आप कहते हैं इतना जरूरी है नए कलाकार को मौका देना, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसी कलाकार को देख रहे हैं दर्शक, तो आपको लगता है कि जी बिल्कुल नए तो टैलेंट आने ही चाहिए, क्योंकि अब वही चीज़ हो जाती है ना कि हम लोग
कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखते जा रहे हैं। ऑडियंस भी चाहती है कि नई स्टोरी आए, नए लोग आए, नए आर्टिस्ट आए। तो जो रिस्क फैक्टर, जैसा आपने कहा, तो रिस्क फैक्टर तो था, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, चैलेंज समझ गए जो हमारे प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब धीरे धीरे आई थिंक ये एक वो सेटल हो जाएगा कि अब लोग नए आर्टिस्ट जो आएंगे, एक लाइनअप हो जाएगा कि लोग अब चांस लेने लगेंगे, रिस्क लेने लगेंगे। आई थिंक स्टोरी और फिल्म को लेकर जो लोग भी देखेंगे फिल्म को, मज़ा आएगा उनको, और अच्छी फिल्म है, देखते हैं।